गाइस आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है इंडिया में कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैल चुका है, इसके लिए आप इस तरह की वीडियो टिकटॉक पे बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दो ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे। ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद डन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और इसके बाद देखना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2.1 या 2.2 के आसपास। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को आगे की तरफ प्ले कराना है तो सबसे पहले मैं एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, खुद को अपने आप को देख रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद यहीं तक का पार्ट चाहिए हमें तो स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। प्ले हिट करने के बाद हाथ का आपको कुछ इस तरह से कैमरा के ऊपर की तरफ आपको लेकर जाना है, सिर्फ इस पोजीशन में ही। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद आपको ये जो पार्ट वाले पीस सीन देख रहे हैं यहाँ पे आपको 5 सेकेंड तक का ही चाहिए। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 10 सेकेंड के आसपास हो चुका है। तो 3 से 4 सेकेंड तक आसपास का मैं पार्ट को रिमूव करता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। अब हमारा देख सकते हैं वीडियो 7 से 6 सेकेंड के आसपास हो चुका है। इसके बाद जैसे कि इस पोजीशन में आते हैं, देखना आपको सिंपल इस पोजीशन में आना है और आपको यहाँ पे मास्क को पहन लेना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद फिर से आपको उसी पोजीशन में आ जाना है। जैसा कि फिर से मैंने मास्क देख सकते हैं आप पहन लिया हूँ। इसके बाद फिर से हमें उसी तरह से कैमरा के सामने हम हाथ हम रख लेंगे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन में आना है और इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। अब आपका वीडियो देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। सिंपल मैं आपको 1 से 2 बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आपको भी सेम इसी प्रकार का वीडियो को आपको शूट कर लेना है, ठीक। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमें 10 सेकेंड के आसपास ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो कुछ इस तरह से है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सिंपल आपको यहाँ पर क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद डन करते हैं। अब आपका वीडियो देख सकते कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर सही से एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं, या फिर ट्रिम टू अगर लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि तो हमें यहाँ तक जो सीन है ये 5 सेकेंड तक का आसपास का चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग का ही पार्ट कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। इसका लेफ्ट साइड का पार्ट को कुछ इस तरह से डिलीट करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। तो सबसे पहले मैं रोटेट करके देख रहा हूँ हमारा वीडियो किस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं करेंगे, और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर देना है। जूम करने के बाद सही से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद इसे आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर आना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और प्रेस करके रखना, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। इसके बाद इसे हमें 5.1 तक के आसपास ही रहने देना है। तो सबसे पहले मैं क्रोमा की को इनेबल करता हूँ, सिंपल क्रोमा की में इनेबल कर दिया। कलर की पे आना है और ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और आपको यहाँ से सही से एडजस्ट अपने हिसाब से कर देना है। वीडियो जब प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे सिंपल। इसके बाद जैसे ही हम हाथ ऊपर की तरफ करते हैं तो यहीं तक का हमें सीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ये दिख रहा है कोरोना वायरस ग्रीन स्क्रीन का पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को एक बार म्यूट करता हूँ और इसके बाद प्ले कर दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं।
तो टिकटॉक पे यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और हमारा वीडियो पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसका जो मैंने साउंड को म्यूट किया हूँ, साउंड को फिर से मैं 100 कर देता हूँ। सेटिंग पे आऊँगा और यहाँ पे आपको ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक साउंड लिंक दे चुका है, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको।